हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एरर। आई मीन इसके पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि एरर्स क्या होता है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं और हम एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आज उसी का पार्ट है। तो मैंने बताया कि यदि कोई भी क्वांटिटी है और यदि सम के फॉर्म में दिया हुआ है, डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, आई मीन कैलकुलेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के फॉर्म में होगा, उस सिचुएशन में हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में देखा था, है ना। तो आज हम एक और टाइप है कि यदि क्या होगा, क्वांटिटी जो होगा उसमें कुछ पावर दिया हुआ है, तब हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ क्या है, y इक्वल टू ए रेस टू क्या है, m, कोई क्वांटिटी y जो है a रेस टू m के फॉर्म में दिया हुआ है ना। m क्या है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि a में कुछ परसेंट क्या है, एरर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एरर इन कॉरस्पॉन्डिंग एरर इन y, क्या होगा यदि a में कुछ एरर है, डेल्टा a है, तो व्हाट इज द एरर corresponding to that error in A. I mean A में जितना error है उसकी correspondence, क्या A में यदि delta A है तो इसमें क्या होगा, linearly error जो होगा वो correlate कर सकते हैं क्या, है ना, या कुछ power का इसमें role भी है। तो इसको हम दो तरह से सोचेंगे, क्या करेंगे हम इसको दो तरह से सोचेंगे। इसको हमने क्या किया, पहला equation हमने इसका नाम दे दिया। अब हम क्या मानेंगे कि देखो लेट डेल्टा ए बी द एरर इन ए एंड डेल्टा वाई बी द corresponding error in y, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y plus delta y, इसको हम y plus delta y, देखो ये दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड्स। इसको हम क्या मान लेते हैं कि मेथड फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो y plus delta y is equal to क्या हो जाएगा, a plus डेल्टा ए के पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब पहले हम ऐसे करते हैं, रुक जाओ, हम क्या करेंगे इसको, अच्छा चलो, हाँ मैंने एक मेथड भी बताया था सर, उसका भी यूज कर लेंगे, वैसे भी आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ, क्या हमने लिखा एम, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, समझ में आया क्या। यदि इसमें क्या होगा, डेल्टा ए हमने ए में चेंज किया, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो चेंज है या एरर है वो वाई में कितना है, डेल्टा वाई है। तो इक्वेशन ए बना। अब देखो, अब यहां से हम ए लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ए वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए के पावर क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ए आपको समझ में आना, ए हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया था इस फॉर्म में, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे, देखो तो वाई प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन सेकंड मत मानो, है ना, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए रेज टू एम इंटू क्या होगा, वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगा, यही होगा। अब मैंने एक बाइनोमियल एक्सपांशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो यहाँ ध्यान से देखो कि हम यहाँ मैं नोट में बताता हूँ, और फिर इसको हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन मान ली, और यहाँ मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे देखो कि यदि मैं लिखूँ यहाँ से आपको समझ में आएगा, ए प्लस डेल्टा ए द होल स्क्वायर लिख, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, याद रखना है कि एरर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है यार, 100% एरर नहीं होता है, 50% एरर नहीं होता है यार, एरर कितना होगा, 2%, 3%, 5%, 6%, 10% हो सकता है, 20%,
भी बहुत ज्यादा हो गया यार, उतना एरर नहीं होता है। बहुत एरर क्या होता है, कम होता है। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ए इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको, क्या है कि डेल्टा ए जो होगा वो क्या होगा, ए से बहुत ही छोटा होगा। अब देखो इसका, ये तो आपको मालूम है कि ए प्लस डेल्टा ए द होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा ए, यही होगा यार, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां दिया हुआ है कि डेल्टा ए जो है, देखो ये बहुत ही छोटा है, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, अरे डेल्टा ए क्या है, खुद ही बहुत ही स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यार, और स्मॉल हो जाएगा। मैं बोलूं कि 1/100, तो 1/100 तो ऑलरेडी छोटा है यार, इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नियरली क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा यार। ये बात समझ में आई। अब यहां हम क्या मानेंगे कि इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको देखो, ऐसे भी हम इसको सोच सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि क्या होगा। यहां से हम क्या, मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वन प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगेन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये बता रहा हूं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू डेल्टा ए अपॉन क्या होगा। अब यहां देखो ए जो है, ए क्या है, ए इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए जो होगा वो क्या होगा, मच मच स्मॉलर देन वन होगा, तो डेल्टा ए अपॉन क्या होगा, ए द होल स्क्वायर को नियरली हम क्या कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो अगेन ए वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो ये कितना आया कि ए है ना, आई मीन हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ठीक है इंटू वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए द होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से देख रहे हो ना, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस टू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहां क्या करना है, केवल क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए है, तो क्यूब के लिए भी मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दो। उसी तरह क्या होगा, ये समझ में आना, देखो यहाँ ए टू पावर है तो वन प्लस टू इंटू डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिए, ठीक है। तो यदि मैं लिखूं यहाँ, अब देखो आप बोलो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वन प्लस एक्स की पावर क्या होगा, एक्स क्यूब, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या लिखेंगे, ए क्यूब, तो वन क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू क्या होगा, वन प्लस एक्स, यही होगा ना यार, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है, यही होता है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां दिया हुआ हो कि एक्स जो है क्या है, वन से बहुत ही छोटा है, तो देखो तो ए जो होगा क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक्स तो बहुत ही छोटा है यार, तो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या इसको और एक टर्म और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या लिख सकते हैं, वन क्यूब प्लस ठीक है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो देखो तो ए वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, जीरो, और ए वाले को भी क्या कर सकते हैं, जीरो। आई मीन ये क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स हो जाएगा क्या। तो हमेशा क्या कर रहे हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो यहाँ पावर थ्री था तो हमने क्या किया, थ्री, लेकिन ये तभी होगा जब ए क्या हो जाएगा, आई मीन एक्स जो क्या हो, वन से बहुत ही क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो ये बात आप इसको दूसरे तरह से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो यहां आप लिख सकते हैं, एक रिजल्ट भी लिख लेना कि वन प्लस एक्स के पावर क्या होगा। देखो यहां मैं लिख देता हूं, लिख देना कि वन प्लस एक्स के पावर क्या होगा, वन इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस एन एक्स, कब, जब इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, सॉरी एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, वन। इसका, इस रिजल्ट का जो यूज फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, आपको एस एच एम पढ़ोगे तो वहां इसका बहुत ज्यादा यूज है, मोस्टली जगह इसका यूज है, कहीं भी इसका यूज है। तो वन प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स, आई मीन
इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, 1 होगा। ये आप जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, बाइनोमियल एक्सपांशन एलजेब्रा पढ़ना है आपको मैथ्स में, तो वहां पढ़ोगे तो ये कैसे ये सब आता है, उसका दूसरा भी मेथड है जो आपको सर पढ़ाएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो एक मेथड ये है कि यहाँ देखो क्या करना है मुझे, पावर से समझ में आया ना, पावर से क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या करना है, लिख देना। ये बात आपको समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये जस्ट नोट था, इसको लिख लेना अलग, ठीक है। तो इसको मैं अब हटा देता हूं, है ना, मैं रब कर देता हूं। अब हम आएंगे तो ये आपको समझ में आया, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं सिंस क्या होगा, सिंस डेल्टा ए इज मच मच स्मॉलर देन ए, हेंस तो क्या लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए रेज टू एम इंटू क्या होगा, 1 प्लस एम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस, है ना, ए रेज टू एम माइनस 1, ये समझ में आया ना, इंटू क्या हो जाएगा एम डेल्टा ए, ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया। अब हम लिख सकते हैं नाउ, ये फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ, सेकंड मेथड में लॉग से बताऊंगा, देखो लॉग से भी आएगा और डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा यूज करेंगे, तो ये तुम इससे थोड़ा तुमको आसान होगा समझना, तो इसलिए मैंने बताया। तो वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, नाउ है ना, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अब ए रेस टू एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा वाई प्लस, है ना, ठीक है, क्या होगा ए रेस टू एम माइनस 1 एम इंटू क्या होगा डेल्टा ए। अब देखो ये y और y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ एक और टर्म लिख सकते थे, देखो ध्यान से अच्छे से समझ, e रेज टू m, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा a अपॉन क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू y, देखो यहाँ से ध्यान से क्या होगा m इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन क्या हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां से इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो गया m इंटू क्या होगा डेल्टा a अपॉन क्या हो गया है? तो एक दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा वाई, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा फ्रैक्शनल एरर इन ए, एंड दिस इज नथिंग बट द क्या होगा पावर, क्या होगा पावर। अब इसको हम प्लस माइनस लिख देंगे यार, प्लस माइनस लिख, ठीक है। जब भी याद रखना है कि क्वेश्चन में एरर केवल पूछा जाता है, इसका मतलब दिस मींस दैट कि ऑलवेज आपको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है। तो ये आपको क्या हुआ कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहां हमने क्या, आई मीन इतना प्लस माइनस हो सकता है यार, तो प्लस माइनस हम लिख लेंगे। अब प्लस माइनस बोलो ये कहां, एरर क्या होगा यार, एक्यूरेट वैल्यू से क्या होगा, इतना ज्यादा हो सकता है और इतना क्या हो सकता है कम हो सकता है, जो मैंने बताया भी था। तो ये क्या रहा, केवल आपको क्या करना है कि पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर इन वाई इक्वल टू पावर ऑफ ए इनटू फ्रैक्शनल एरर इन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पावर ऑफ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ एम, सॉरी पावर ऑफ ए।
या एक्सपोनेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि देखो पावर इसको दूसरे तरह से हम कैसे सोचेंगे। थोड़ा लॉग आप पढ़े हो तो लॉग का भी हम यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लॉग का यूज हम करेंगे, क्या चीज का लॉग का यूज, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। दूसरा जो मेथड है, मेथड टू, हम यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड टू, मेथड टू क्या है, देखो y इक्वल टू क्या है, यहां याद रखना है आपको कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से क्या दिया रहेगा, y इक्वल टू दिया हुआ हो, देखो इधर क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा x, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1, आई मीन डेल्टा y इज, आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx, ऐसे हम सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, यहां से ही आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे यहां कि हम दोनों तरफ क्या करें, लॉग ले लें, है ना। लॉग कितने बेस पे लेना है यार, आप बता सकते हो, लॉग टू द बेस ई, हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो नेचुरल लॉग यूज करते हैं, अदरवाइज बेस चेंज फार्मूला यूज करके हम क्या करते हैं। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा मेथड भी है कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करें, उसी तरह क्या दिया हुआ है, तो सेकंड मेथड में क्या है, बाय यूजिंग लॉग, बाय यूजिंग क्या होगा, लॉग, लॉग यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट। अब देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस क्या होगा, ई, टेकिंग लॉग इन इक्वेशन वन टू द बेस, टू द बेस ई बोथ साइड, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, देखो तुम लोग पढ़े भी हो लॉग में, हम यहां क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ln y, ln अपने आप में इंडिकेट करता है कि हमने बेस क्या लिया है, e लिया है, बेस 10 नहीं लिया है, ठीक है। तो ln y इज इक्वल टू क्या होगा, ln e के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, e के पावर। अब पावर हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ln y इज इक्वल टू m इंटू ln, क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, या किसी के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। देखो कैसे, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, देखो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट। अब आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, डी ऑफ ln विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ m ln विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, a, है ना। देखो यही रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे बाद में, है ना। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, पहले क्या करो, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, और फिर y को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ln का क्या होता है, ln x का क्या होता है, 1/x। तो हम क्या लिखेंगे, 1/y
डी वाई अपॉन क्या होगा डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम कॉन्स्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन साइन से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वन बाई ए डी वाई डी ए एम इंटू क्या लिखेंगे एम, उसके बाद क्या लिखेंगे डी ऑफ एल एन विथ रिस्पेक्ट टू डी ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन क्या होगा डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम, ये कितना हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा एम अपॉन ए, और डी ऑफ ए डी ए का वैल्यू क्या होता है वन होता है, यही होता है ना यार। अब देखो ये क्या हुआ डी वाई अपॉन क्या हो गया डी ए इंटू वन अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया एम अपॉन ए हो गया। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो हम ऐसे शायद लिख सकते हैं डी वाई डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम इंटू डी ए अपॉन क्या आ जाएगा, देखो आ गया डी को हम क्या कर सकते हैं डेल्टा में भी लिख सकते हैं। और तो देखो यहाँ क्या हो गया दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं डेल्टा। देखो डी डी वाई का मतलब क्या हुआ स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज, और डेल्टा का मतलब क्या हुआ सिंपल चेंज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा एम क्या हुआ डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया। अब एरर है तो यहाँ अपकोर्स ये जो दिया होगा प्लस माइनस में दिया रहता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस माइनस यूज या डायरेक्ट रिजल्ट में प्लस माइनस यूज करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ फ्रैक्शनल 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 एरर इन क्या होगा वाई, दिस इज क्या होगा पावर पावर ऑफ ए एंड दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन ए, क्या हुआ फ्रैक्शनल एरर इन ए, किसमें फ्रैक्शनल एरर मिला ए में मिला आपने। तो एक मेथड तीसरा मेथड भी बताता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट द क्या होगा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा इन, ठीक है। अब परसेंटेज एरर आपको मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में मैं लिख देता हूं परसेंटेज एरर। अब मेथड थ्री देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम। देखो ध्यान से क्या करना है पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर इन ए क्या होगा पावर आई मीन फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल टू क्या होगा पावर प्लस माइनस लास्ट में लिखोगे चलेगा टेंशन नहीं है, तो एम इंटू पावर ऑफ ए इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल टू पावर इन ए इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए पावर ऑफ ए इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए, ठीक है। तीसरा मेथड जो है वो क्या है मैं बताता हूं आप कि एम थ्री डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके यार बाय यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये उसको ज्यादा समझ में आएगा जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छा है, और जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसलिए तो बेसिक्स मैथ्स मैंने पढ़ाया था। तो अब देखो यहां क्या है डायरेक्ट मैं क्या लिखूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए बोथ साइड, है ना। तो डायरेक्ट लिखता हूं डिफरेंशिएट सीट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ए ए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो डी वाई डी वाई अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा
डी ऑफ ए रेज टू एम डिवाइडेड बाई क्या होगा डी, ठीक है, डी रेज टू एम अपॉन डी ए। आप ये तो ऐसे ही रहेगा यार, डी वाई अपॉन डी ए इज, ये पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो एम ये कितना x के पावर n विद d ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है n इनटू x के पावर क्या होगा n, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a के पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dy अपॉन da इज इक्वल टू क्या होगा m इनटू a के पावर m अपॉन क्या हो जाएगा, और a के पावर m ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, चलो 3 मान लिया, सेकंड मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है ना, तो क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी ए इज इक्वल टू, देखो तो ए रेस टू एम, ए रेस टू एम की जगह क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो वाई इंटू क्या लिख सकते हैं एम अपॉन क्या हो गया ए। तो अगेन देखोगे तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम इंटू डी ए अपॉन हमने क्या लिखा ए लिख दिया, आ गया यार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं डी वाई सॉरी डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन क्या होगा वाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया, यहाँ प्लस माइनस लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं तो बाद में भी रिजल्ट में रख सकता। तो अगेन क्या हुआ, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन वाई है ना, क्या होगा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर एरर इन वाई, और दिस इज पावर ऑफ क्या होगा पावर ऑफ एम, एंड दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा ए। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू डेल्टा वाई अपॉन आई मीन क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज एरर इन क्या होगा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा एम इंटू इंटू परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा ए, ठीक है, एम इंटू क्या हुआ परसेंटेज एरर इन। तो ये क्वेश्चन को हम दो तीन तरह से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसमें एक तो टाइप ए है ना, आई मीन टाइप फर्स्ट, इसको लिख लेना। टाइप सेकंड जो है क्या है वो मैं बताता हूँ, फिर हम क्या करेंगे इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप है वो ऐसे होगा, इसको भी यदि हम दो तीन तरह से सोचेंगे, टाइप फर्स्ट है ये, अब टाइप सेकंड लिख लेना, इसमें किसी में टाइप जो होगा क्या होगा टाइप टाइप सेकंड, ये जो होगा क्या होगा देखो y इज इक्वल टू क्या होगा a के पावर m इंटू क्या होगा b के पावर क्या होगा n, क्या होगा a के पावर m इंटू क्या होगा b के पावर, ठीक है। तो यहाँ भी पहले दो तीन मेथड हम कैलकुलेट करेंगे है ना, तो हमने पहले यहाँ हमने क्या किया लिख दिया कि मेथड वन हम कैसे यूज करेंगे, लेट हमने क्या लिखा लेट डेल्टा ए डेल्टा बी आर एरर इन क्या होगा ए एंड बी एंड डेल्टा वाई इज corresponding error in y, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन वन माना है ना,
तो हमने क्या लिखा, देखो वाई प्लस क्या लिखा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, कि पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू बी प्लस डेल्टा बी की पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना बाइनोमियल मुझे एक्सपेंशन यूज करना है, इसको लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना है मुझे यूज क्या करना है, वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या, वन प्लस एन एक्स, जब एक्स क्या हो मच मच स्मॉलर देन क्या हो, ये हमेशा याद रखना, इसको रट जाना है ना, वही यूज करेंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, देखो लिख सकते हैं इसको कि वाई 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 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो तो ए के पावर एम इंटू वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए के पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या लिख सकते हैं, बी के पावर एन इंटू वन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई ए के पावर एम बी के पावर क्या होगा, एन, ठीक है, इंटू हम क्या लिखेंगे, वन प्लस डेल्टा ए अपॉन ए के पावर एम इंटू वन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के पावर, ठीक है। अब ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, देखो यहाँ हमने लिख दिया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, समझ में आया ना, a रेस टू m इंटू बी रेस टू n के जगह हमने क्या लिखा, a रेस टू m b रेस टू क्या होगा, n के जगह हमने क्या लिखा, y लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं y, यहाँ लिख सकते हैं वन प्लस डेल्टा a अपॉन a है ना की पावर m इंटू वन प्लस डेल्टा b अपॉन b की पावर क्या होगा, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लिखेंगे इफ सिंस, हम लिखेंगे क्या, सिंस डेल्टा ए इज क्या होगा, डेल्टा ए इज मच मच स्मॉलर देन ए, एंड क्या होगा, डेल्टा बी इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, बी, हेंस क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, वन प्लस, है ना, क्या लिख सकते हैं, देखो वन प्लस क्या होगा, वन प्लस एम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है ना, इंटू क्या लिखेंगे, वन प्लस एन इंटू डेल्टा बी अपॉन क्या होगा, बी, घबराना नहीं है यार, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घबराने की बात नहीं है, डरने का नहीं रे बाबा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं यार, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y, देखो तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y इंटू, है ना, देखो वन प्लस एन डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b, ठीक है, प्लस m डेल्टा a अपॉन a इंटू क्या हो गया, वन प्लस n डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b, ठीक है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इंटू वन प्लस, है ना, एन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम डेल्टा ए अपॉन क्या होगा, ए प्लस एम एन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन क्या होगा, बी, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी छोटा है यार, ये भी छोटा है, दोनों को छोटे को मल्ट, अब पावर कभी ज़्यादा नहीं हो सकता यार, पावर बहुत कम होता है, ऐसे नहीं है कि थाउजेंड और करोड़ पावर रखा हुआ है, तो ये वाला टर्म को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, आई मीन जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस
एन, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम इंटू क्या होगा डेल्टा ए अपॉन ए। अब वाई से डिवाइड करते इसको लिख सकते हैं वन प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू वन प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा ए। ए वन से वन कैंसिल हो गया, तो देखो बहुत सुंदर सा रिजल्ट आएगा, बहुत ही सुंदर है ना, देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब इधर थोड़ा सा ये क्या है, उतना सुंदर नहीं है यार, ये देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है और कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, लेकिन इनिशियल जब रिजल्ट आता है वो भी बहुत अच्छा होता है और क्वेश्चन जो दिया रहता है वो बहुत अच्छा होता है, बीच का जो स्टेप है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो ये देखो इसमें कई कॉन्सेप्ट यूज है, इवन तुमको पावर हम कैसे एक्सपांसन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो थोड़ा उसका भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ये है, इसके बाद मैं लॉग का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम इंटू डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया। डायरेक्ट क्या करना है, पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई करके और फ्रैक्शनल एरर सब में लिख देना है और फिर ऐड कर देना है। तो दिस इज फ्रैक्शनल एरर, तो इधर लिख देता हूं, ये क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो गया एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम इंटू डेल्टा ए अपॉन क्या होगा ए। तो दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर, देखो यहां प्लस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर इन क्या हुआ इन वाई, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन क्या हुआ बी, और दिस इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ बी, क्या हुआ एक्सपोनेंट और पावर ऑफ बी। उसी तरह क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है एक्सपोनेंट ऑफ ए, एंड दिस इज फ्रैक्शनल एरर, क्या है फ्रैक्शनल एरर, एरर इन क्या हुआ ए। तो क्या करना है, यदि पावर में दिया है कि देखो सबके पावर से फ्रैक्शनल एरर, पावर ऑफ ए इंटू फ्रैक्शनल एरर ए, पावर ऑफ बी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन बी, पावर ऑफ सी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन सी, एंड सो ऑन, क्या करना है लिख देना है, बाद में हम ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप जब भी एरर लिखना तो यहाँ क्या करना प्लस माइनस लिख लेना, तो यहाँ आप नहीं तो आप लिख भी सकते हो, ये क्या हो गया प्लस माइनस। उसके बाद परसेंटेज एरर जो होगा, सेकेंड मेथड भी मैं बता देता हूँ फिर मैं लिखता हूँ, सेकेंड मेथड क्या है, लॉग यूज कर लो और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। एक यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो सिंपल, यदि तुमसे बोले देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लॉग, यही कॉन्सेप्ट, लॉग एक्स लॉग वाई दिया हुआ है और डिफ्रेंशिएट, सिंपल दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सिंपल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखना क्या लिखोगे डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा डी वाई अपॉन क्या होगा वाई, सिंपल याद रखना, यही रिजल्ट यूज रखोगे तो आसानी से क्या होगा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इसको यूज करना, इसको कैसे, मैंने बताया इसके पहले लेक्चर पहले क्वेश्चन में पहले टाइप में कि हम ये कैसे आता है, तो देखो यहाँ क्या है, बस यही कॉन्सेप्ट तुमको क्या करना है यहाँ यूज करना है। अब हमने क्या किया, वाई इक्वल टू दिया, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए रेज टू एम और बी रेज टू क्या है एन दिया हुआ है, अगेन इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया, लिखे टेकिंग log to the base e both sides we get
ठीक है, क्या मिलेगा? तो यहां या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेना, ठीक है। देन क्या होगा, एल एन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन ई रेज टू एम इंटू क्या होगा, बी रेज टू। अब इसको लिख सकते हैं एल एन ई रेज टू एम प्लस एल एन बी रेज टू, क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल एन ए प्लस एन एल एन क्या हुआ, बी हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ, सिंपल लिख दो डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वी गेट डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको। तो एल एन देखो कैसे लिखे हैं, एल एन एक्स को क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन एक्स। तो एल एन वाई को क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन वाई। तो इधर क्या लिखेंगे, डी वाई सॉरी डेल्टा वाई, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम इंटू क्या लिखेंगे, डी वाई सॉरी डी ए अपॉन ए प्लस एन इंटू क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। यही जनरली तुम बुक में देखो, किसी बुक में मिल जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी को हम डेल्टा में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस एम इंटू क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन इंटू क्या हुआ, डेल्टा बी अपॉन क्या हुआ, बी। देखो आ गया, फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस पावर ऑफ बी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन बी, ठीक है। तो ये आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम यहां लिख देते हैं डायरेक्ट परसेंटेज एरर इन वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो परसेंटेज एरर इन क्या होगा, परसेंटेज एरर इन वाई, एरर इन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या होता है, 100। तो जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर मेड एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी एंड सो, यही होगा ना, परसेंटेज एरर इन वाई, ठीक है। सबको क्या करना है, सॉरी परसेंटेज एरर इनटू, यहां मैंने गलत लिख दिया, एम इनटू, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, इनटू एल लिख दिया, पावर ऑफ एम इनटू परसेंटेज एरर इन ए सॉरी पावर ऑफ ए इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस पावर ऑफ बी इनटू परसेंटेज एरर इन बी एंड सो ऑन। जैसे थर्ड टाइप देख लो इधर कि टाइप, इसमें थ्री बता देता हूं डायरेक्ट ट्रिक के लिए, या ट्रिक लिख लो, ट्रिक है ना, इफ क्या होगा, इफ वाई इक्वल टू ए के पावर एम बी के पावर एन और सी के पावर क्या होगा, के होगा, देन क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन वाई कितना होगा, एम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस के इंटू डेल्टा सी अपॉन क्या हो गया, सी, ए फ्रैक्शनल एरर हो गया। पावर इंटू, ठीक है, क्या है, पावर इंटू पावर ऑफ ए इंटू फ्रैक्शनल एरर ए प्लस पावर ऑफ बी इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी प्लस पावर ऑफ सी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन सी, ठीक है। तो उसी तरह आप क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर इन वाई लिखोगे, तो सब में परसेंट पावर इंटू परसेंटेज एरर प्लस पावर इंटू परसेंटेज एरर प्लस पावर इंटू परसेंटेज एरर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू इन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस एन इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी प्लस के इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा, सी, ठीक है, ये ध्यान देना है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे कुछ हम
न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम देखेंगे, है ना। तो जब एरर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आप लोग जानते हैं कि यदि दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 एंड देखो कैसे सोचेंगे, एक स्टेप में भी हम सोचेंगे और जनरल मेथड से भी हम कैसे सोचेंगे ये देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, है ना। आप लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो आप जानेंगे कि टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, जी होता है। पावर कुछ भी है, यहाँ देखो जब फाइनल लिखना तो परसेंटेज एरर यहाँ प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना है कि एरर जब भी लिखे, हमने यहाँ नहीं लिखा लेकिन जब भी आप एरर लिखना तो प्लस माइनस लिख देना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस या इधर उतना ज्यादा हो सकता है और उतना क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन, देखो ध्यान से, परसेंटेज एरर देखो यहां दिया हुआ है, परसेंटेज परसेंटेज या मैं ऐसे लिख देता हूं, परसेंटेज एरर एरर्स है ना इन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ लेंथ ऑफ ए सिंपल सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। Then find percentage error in time period of simple pendulum. ठीक है, परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। नितिन वहाँ एक बुक होगा लेते हैं, बुक उधर होगा मेरा, हाँ बुक सुनो ना उस पर अरिहंत लिखा हुआ होगा, अरिहंत इधर इधर नितिन बैठता हुआ, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ ए सिंपल। अब कुछ नहीं है, यदि मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो और आएगा, ऐसा नहीं है इसमें कुछ ये है। देखो क्या है, इस क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कितना दिया हुआ है, 2% और जी में जो एरर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द क्या होगा, परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से क्या दिया क्या है ये देखना है, ध्यान से क्या चीज में एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर लेंथ में, और क्या चीज में दिया हुआ है, जी में दिया हुआ है। तो यहां देखना, टाइम मैं लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल
सिंपल पेंडुलम इज क्या होगा, इज गिवन एज क्या होगा, देखो ध्यान से, टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अंडर रूट एल बाई क्या हो जाएगा जी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये बताया था लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और जी क्या है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब किसमें एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर एल, और क्या चीज में दिया हुआ है, जी में दिया हुआ है, क्या चीज में दिया हुआ है, एल एंड क्या है, जी में दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल यदि आप ट्रिक से जाओगे तो मैंने क्या बताया था, देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अब यहां एरर पूछा गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एरर, हमेशा याद रखना क्या है, मैक्सिमम एरर कितना है, तो पहले हम क्या करते, देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज, इसमें चेंज जो होगा क्या होगा, ये ऑलवेज इसका वैल्यू 2 पाई का क्या होगा, फिक्स ही रहेगा, तो इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, इसमें एरर। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सिंपल एक स्टेप में हम यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखो, तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं भूल जाता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दूंगा, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब यदि तुमको लगता है तो तुम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से जाओ यार, है ना, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, एल के पावर क्या होगा, 1 बाई 2 इंटू जी के पावर क्या हो गया, माइनस 1 बाई 2, यही होगा यार, है ना, क्या होगा, यही होगा, एल के पावर 1 बाई 2 इंटू क्या होगा, जी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। अब हम क्या करेंगे यहां, जब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन क्या होगा, टी प्लस माइनस, यहां लिख देता हूं 1 बाई 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, जी अपॉन जी। अब आप बोलोगे सर यहां पावर क्या है, माइनस है, तो अलवेज क्या करना है, पावर अलवेज क्या करना है, माइनस या प्लस कुछ भी अलवेज आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। ये क्या हुआ, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि मैक्सिमम और मिनिमम एरर नहीं दिया हो तो अलवेज हम क्या मानते हैं, मैक्सिमम एरर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, 1 बाई 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 इंटू क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन क्या होगा, जी। अब आप दोनों तरफ क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस मैंने लिख दिया 1/2 इंटू परसेंटेज एरर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू क्या होगा, 100। अब ये दिया हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 दिया हुआ है, कितना, 2%, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, 1 प्लस 3/2, ठीक है, ये परसेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 2%, कितना हो जाएगा, 2.5%, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल देखो हमने क्या किया, पावर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जब भी आप लिखोगे तो यहाँ ये इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, तो ये हमने लिख दिया कि डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी परसेंटेज एरर इन टाइम इन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 5/2% इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.5%। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि पावर, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, यहाँ प्लस माइनस, इसमें भी क्या होगा, एरर जो होगा, ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो अलवेज याद रखना, पावर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, मैक्सिमम एरर क्या होता है, यही होता है मैक्सिमम एरर। और क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है तो जनरली मैक्सिमम एरर ही पूछा जाएगा, तो ये आपको क्या करना, ध्यान रखना, मैक्सिमम, क्योंकि ये जो दिया रहेगा वो प्लस माइनस में दिया रहेगा, समझ में आया ना। अरे डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस। तो जब भी आप मैक्सिमम यूज करना तो ये साइन को क्या करना, कंसीडर मत करना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। उसी तरह आप देखो ध्यान से, द मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, एग्जाम्पल देखते जाओ, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मास मास एंड क्या होगा, एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर स्फीयर आर मेजर्ड टू बी क्या होगा, नहीं एक मिनट, आर मेजर्ड टू बी आर measured to be (12.4 ± 0.1), ठीक है, kg and 4.6 प्लस माइनस 4.6 प्लस माइनस 0.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ एरर लिमिट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट, ठीक है। अब जब ये वैल्यू दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखो तुम ध्यान से। तो गिवन क्या है, समझना है, वॉल्यूम तो आपको मालूम है कि मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो आपको ये चीज समझना है ना। तो देखो यहां ध्यान देना, ये क्या है, मास है, मास का मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअल मास एंड दिस इज एरर। तो हम यदि लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m नट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा m, वेयर डेल्टा m क्या है, एरर, क्या है, एरर इन क्या होगा, एम। उसी तरह एक है एक्चुअल मास है एंड दिस इज एरर, ठीक है। उसी तरह क्या लिखोगे, यदि तुम डेंसिटी लिखोगे तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रो नट प्लस माइनस क्या लिख सकते हो, डेल्टा रो। ये रो नट क्या है, एक्चुअल डेंसिटी, और देखो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, सिंपल लिख दो ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर इन क्या होगा, रो, एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो डेंसिटी जो, वॉल्यूम जो होगा क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, वी नट प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा वी, यही होगा ना यार, है ना, यही होगा ना, अरे यही होगा ना, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, दिस इज क्या होगा, ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू,
ठीक है, क्या होगा ये, क्या होगा मेजर्ड वैल्यू होगा। तो पहले हम ट्रू वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी नॉट क्या होगा, देखो तो मास वाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास वाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, रो नॉट, यही होगा यार। अरे मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एम नॉट दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा 12.4 है ना, और ये क्या है 4.6, यही होगा। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 2.7 शायद आ रहा है, 12.4 और 4.7, देखो मैं तुम कैलकुलेट कर लेना यदि, क्योंकि मैं डायरेक्ट इधर से लिख देता हूँ, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, ये कितना आएगा 2.7 मीटर क्यूब। अब मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो तुम क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मत देखना कि ये कैलकुलेशन गलत हो गया क्या या सही हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, अब हम क्या लिखेंगे, अब यहां से हम जानते हैं, देखो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल्टा, अब ही इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाई क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या डेल्टा, क्या लिख सकते हैं देखो तो डेल्टा, सॉरी मास बाय डेंसिटी, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या लिख सकते, या सिंपल क्योंकि हमने वहां प्लस माइनस यूज किया है, यहां क्या लिखेंगे, या प्लस माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन क्या लिखेंगे, रो। तो यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इनटू क्या लिखेंगे, वी। और ये वी क्या है यार, ट्रू वैल्यू है, ध्यान रखना ये वी नहीं है, क्या है ट्रू वैल्यू है, समझ में आया ना। या ऐसे लिख सकते हो, देखो तुमको डाउट नहीं होना चाहिए तो शायद तुमको समझ में आ जाए, ठीक है ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, डेल्टा एम मालूम है यार, क्या है डेल्टा एम तुमको मालूम है, एम नॉट भी मालूम है, देखो यहाँ दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ ये, बस यहाँ से क्या करना है डेल्टा वी आपको क्या करना है कैलकुलेट करना, ये क्या है ट्रू वैल्यू इंटू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू प्लस एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू क्या होगा ट्रू वैल्यू, तुमको क्या होगा मालूम चल जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे ये समझ में आया ना, देखो यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ कि ये मास कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ लिख देता हूँ कि एम नट इक्वल टू क्या है 12.4 केजी है, एंड डेल्टा एम ठीक है इज इक्वल टू क्या है 0.1 केजी है, उसी तरह ठीक है रो नट इज इक्वल टू क्या है देखो ध्यान से 4.6 केजी पर मीटर क्यूब, एंड डेल्टा रो नट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये हमेशा क्या करते हैं फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू होता है, याद रखना ओरिजिनल वैल्यू। तो ये क्या होगा डेल्टा रो नट कितना हो जाएगा 0.2 है ना केजी पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे यहाँ आसानी से वैल्यू, यही वैल्यू इधर रख दो, देखो यहाँ वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि डेल्टा वी इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस, देखो ये कितना है 12.4 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस कितना है 4.6 डिवाइडेड बाई, नहीं हमने गलत लिख दिया यार है ना, 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4. क्या हो गया 6 इंटू 2. क्या है 7, यही है ना मीटर, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ है ना, मैंने बोला था कि यहाँ प्लस माइनस, तो ये क्या लिखोगे प्लस माइनस, ये कितना होगा
हाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, सिंप्लीफाई करके सब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 0.14, कितना आएगा 0.14 मीटर क्यूब आ रहा है। अब तुम क्या करो, यहाँ वैल्यू रख दो, किसमें, इसमें, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, hence v is equal to क्या लिख सकते हैं, v naught plus minus delta v, और ये कितना हुआ 2.7 plus minus कितना होगा 0.14 मीटर क्यूब। यही क्या हुआ तुमको, विथ एरर लिमिट हमने क्या किया, मेजर कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस। तो हम ऐसे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस पर कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप इस पर क्या करना, सॉल्व कर लेना, और इसके बाद आपको डिजिट का राउंडिंग अप कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हम, एक्यूरेसी वगैरह क्या होता है ना, तो आगे मतलब आई थिंक आफ्टर वन क्लास हम पढ़ेंगे, तो 2-3 क्लास के बाद आपका जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। वेक्टर हमने पढ़ लिया है, और बाद में हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।